नमस्कार, मैं बिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ कोरोना और अपराधियों को नाश करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन कर जहां एक तरफ कोरोना को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपराध को खत्म करने के लिए अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया जा रहा है। लेकिन प्रदेश में कोरोना थमते ही राजनीतिक गतिविधियां जोरों पर हैं। और आपको बता दें कि हाल ही में बीजेपी ने आशीर्वाद यात्रा में हजारों समर्थकों की भीड़ देखने को मिली थी, वहीं अब कांग्रेस ने भी विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। ऐसा ही कुछ बुधवार को देखने को मिला, जब धार्मिक आयोजन की परमिशन की मांग पर कांग्रेस ने इंदौर के मौन रैली निकाली। और आपको बता दें, जिसके बाद कोरोना के खतरे को भांपते हुए इस रैली को रोकने के लिए पुलिस ने लाठियां बरसा दी और वाटर कैनन भी छोड़े गए। पुलिस की इस लाठी चार्ज में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला सहित कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आइए अब आपको पूरी खबर से रूबरू कराते हैं। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गणेश उत्सव सहित अन्य धार्मिक आयोजन की इजाजत के लिए मार्च निकाला था। मार्च कलेक्ट्रेट में गए घेराव के लिए बढ़ा तो जैसे ही पुलिस ने उसे रोकने के लिए बल का प्रयोग किया, जिसके बाद कांग्रेस के शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर पहले पानी की बौछार की गई और फिर उसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भी बरसाई। पुलिस के इस लाठी चार्ज में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला सहित 10 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हो गए। आइए आप खुद देखें कि किस तरह से रैली का विरोध करते हुए एमपी पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार के साथ लाठी डंडों की बरसात भी कर रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रदेश में विपक्ष के तौर पर आसीन कांग्रेस को लगातार कोरोना के खतरे को भी समझना चाहिए। बिना इजाजत और कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए इस तरह से खुद के साथ साथ दूसरों की जिंदगियां खतरे में नहीं डालनी चाहिए। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कमलनाथ को अपने कार्यकर्ताओं को ये सीख जरूर देनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी भूल तीसरी लहर का खतरा बढ़ा सकती है और कई जिंदगियां तबाह कर सकती है। अब इस मामले पर और मध्य प्रदेश प्रशासन पर इस एक्शन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।